अगर आपके पास भी इस तरह का सैमसंग कंपनी की कोई भी कीबोर्ड फ़ोन है और आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एक नंबर को ब्लॉक करना चाहते हो, तो आप अपने नंबर को किस तरह से ब्लॉक कर सकते हो ताकि सामने वाला जो इंसान है वो आपको कॉल करे तो उसका कॉल आपको ना लगे, तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा नंबर को ब्लॉक करने के लिए आपको जो करना है, आपको आपके फ़ोन को अनब्लॉक करना है। अपने फ़ोन को अनब्लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको कॉल बटन के ऊपर प्रेस करना है। कॉल बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आप जिस नंबर को ब्लॉक करना चाहते हो आपको उस नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे इस साइड पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉल बटन के ऊपर वाला जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 8 नंबर पे एक ऑप्शन है ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट, आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो करना है, कॉल बटन के ऊपर में जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे एडेड बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा और आपकी ये जो नंबर है वो आपकी ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। इसके बाद से सामने वाला ये जो इंसान है ये आपको कॉल करेगा तो आपके पास कॉल नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबूत के हिसाब से मैं जिस नंबर को अभी यहाँ पे ब्लॉक किया है उस नंबर से आपको इस नंबर के ऊपर कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही कॉल किया तो मेरे नाम लिख के रिजेक्टेड लिख के आ गया है और यहाँ पे मैं लाउड स्पीकर करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही सामने वाला इंसान आपको कॉल करेगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर उसका नाम तो आएगा लेकिन आपके फ़ोन के ऊपर ना कोई रिंग होगा ना आप उसकी कॉल को रिसीव कर पाओगे। और साथ ही साथ जिस इंसान आपको कॉल करेगा उसको बता दिया जाएगा कि आप इस टाइम बिजी हो और सामने वाला इंसान चाहे आपको कितना भी बार कॉल कर ले उसे यही बात सुनाई देगा, जब तक आप उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाओगे तब तक उसका जो कॉल है वो आपके पास नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो नंबर आपके पास गलती से ब्लैक लिस्ट के अंदर चला गया है, उस नंबर से आपको कितनी भी बार कॉल कर रहा है और आप उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, उसका कॉल बार बार ऑटोमेटिक काट हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप चाहते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो इसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे और इस वीडियो की लास्ट पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास इस तरह का सैमसंग कंपनी की कोई भी कीबोर्ड वाला फ़ोन है और उस फ़ोन के अंदर आप किसी भी एक नंबर को या फिर एक से ज़्यादा नंबर को ब्लॉक करना चाहते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर चुके होंगे अभी तक। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाला टाइम पे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नए नए वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।